तो जानते हैं ना इसको तुम। इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के कारण ही, तो पहले शब्द दिया गया, इस सारा विस्तार अज्ञान के कारण है और ये विस्तार सारा का सारा सिमट जाता है। जब अज्ञान समाप्त होता है तो ये विस्तार सिमट जाता है। एक छोटा सा बालक हो, रेत का ढेर हो, प्रातः काल से सायंकाल तक उसने 25 घर बना लिए, घर बनाए घोंसले 25, और एक ही बार एक व्यक्ति स्कूटर लेकर निकल गया तो 25 ही ध्वस्त हो गए। और ये रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोले मेरे सारे घर तोड़ दिए मेरे, ये क्या हुआ, इसका कौन सा घर था, इसको बनाने का की वहां कहाँ आवश्यकता थी। लेकिन बालक है ना, तो उसका तो काम ही ये कौतूहल करना है। और ये अज्ञान का, उस अज्ञान का विस्तार कितना हुआ, एक अज्ञान केवल, ये रेत का ढेर मेरा है और इसमें उतना विस्तार हुआ, वो सब मिथ्या चरित्र। मिथ्या चरित्र क्यों हुआ, तुम तो एक भी घर ऐसा नहीं बना कि जिसमें ये रह सके, इसलिए मिथ्या। इसी तरह एक भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जिसका किया हुआ हो, सारा का सारा बिल्कुल मिथ्या और व्यर्थ हुआ। मिथ्या का अर्थ ये, इसमें काम की हुआ जरा सा भी, इसलिए उसको मिथ्या कहा जाता है, क्योंकि उसका कोई जगत में विषय नहीं। तो आत्मा ही क्या करता है, अज्ञान के कारण उद्गल कर्म रूप परिणाम के अनुकूल अपने परिणाम को, जो के अपने से अभिन्न के परिणाम के अनुकूल परिणाम को। उसका अर्थ क्या हुआ कि अपना वह अज्ञानमय और अज्ञान से उत्पन्न राग द्वेषमय पुण्य पाप रूप परिणाम कि जिसके होने पर नियम से कर्म का बंधन के अनुकूल परिणाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि ये परिणाम ना हो तो होता है, लेकिन ये परिणाम होते हैं तो इनसे कर्म का बंध होता है, ये बात मिथ्या है। और ये मानता है कि मेरे इन परिणामों से मैं कर्म बांध रहा हूँ, तो ये किसका करता हुआ उस समय, कि ये कर्म का, कर्म बंध का करता तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कर्म बांधता हूँ तो ये हुआ, इसलिए यह उन परिणामों से अभिन्न है। और ये परिणाम जो काम करते हैं उस काम से बिल्कुल भिन्न है, वो काम इससे होता नहीं। तो जो परिणाम है उससे, यदि वो काम नहीं होता तो वो परिणाम रखने लायक रहा, छोड़ने लायक रहा नहीं। जैसे जिस औषधि से आराम नहीं होता तो वो औषधि बार बार लेने की रही, तो उसी तरह जिस परिणाम को ये पुनः 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 समय एक पर नहीं, अगर वो घटा तो दूसरे पर घटित करने के लिए ये उस परिणाम को करता है, लेकिन एक पर भी इसका परिणाम घटित और फलित नहीं होता। परिणाम से कैसे विदाई लेता है, फिर अभी तो परद्रव्य से विदाई ली कि बिल्कुल बेकार जाती, मेहनत ही बेकार जाती, समझ में नहीं आता, बेकार जाती है मेहनत, लेकिन बनता नहीं है। ये आवे ऐसे विचार, किस समय आवे, जब घड़ा बन जाए तब। घड़ा बनाने की कोशिश बहुत की लेकिन घड़ा बना नहीं, कब आया ये विचार, जब घड़ा बन गया। क्यों विचार आया ये, इसको यह निश्चय हुआ कि सचमुच घड़ा बना तो सही, लेकिन घड़ा मिट्टी के परिणाम से अभिन्न है, इसलिए इसे मिट्टी ने बनाया। मेरा वह परिणाम जो ये मानता था कि मैं घड़ा बनाता हूँ, उस परिणाम ने घड़ा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उस परिणाम का घड़ा ही नहीं बना, वो परिणाम तो मेरे भीतर ही भीतर रह गया, लेकिन उस परिणाम का घड़ा नहीं बना। अगर सचमुच वो परिणाम घड़ा बनाने वाला होता तो उस परिणाम का घड़ा बनता जरूरत नहीं, इसलिए वह परिणाम बिल्कुल व्यर्थ हुआ। जब इसका कर्ता कर्म टूटता है तो उस परद्रव्य के प्रति निर्माण और विध्वंस करने वाले अपने परिणाम से भी कर्ता कर्म भाव टूट जाता है। अपन तो इस परिणाम के वाले
नहीं, न हम ये परिणाम अब आइंदा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये परिणाम काम करता ही नहीं, अपना काम ही नहीं करता है ये परिणाम। तो इस परिणाम को करने से क्या फायदा? इसका अर्थ यह है कि यह परिणाम अपने करने लायक नहीं और अपना नहीं। अगर अपना होता तो ये अवश्य ही काम करता, लेकिन यह परिणाम अपना नहीं है। इस परिणाम का संबंध के लिए घड़े से है इसका संबंध। जब घड़ा नहीं बनता तो ये परिणाम बिल्कुल विफल परिणाम है। विफल परिणाम को करने वाला जगत में कोई भी बुद्धि नहीं होता। इस तरह परिणाम से भी मैं तो अभिन्नता बताते हैं। पहले तो परद्रव्य से कर्ता कर्म टूटे तो उसके साथ ही परद्रव्य से लगे हुए परिणाम से भी कर्ता कर्म भाव टूटा। जैसे किसी को चोरी का परिणाम होता है, चोरी के परिणाम का आश्रय होता है दूसरे का धन, होता है नहीं? किसके? दूसरे के धन के प्रति। अब इसने विचार शुरू किया कि ये धन तो मेरा नहीं है, तब इस धन को अपना मानने वाला परिणाम मेरा हुआ। तो धन ही मेरा नहीं है, तब उस वस्तु विरुद्ध विपरीत उत्पन्न होने वाला ये परिणाम कि जो धन मेरा नहीं होने पर भी जो धन को अपना मानता है वो परिणाम मेरा हुआ, उससे मेरा संबंध हुआ नहीं है। और उस परद्रव्य का कर्तृत्व यदि तोड़ता हूँ तो उसके साथ इस परिणाम का कर्तृत्व भी टूटता है। इस तरह ये दोनों कर्तृत्व टूटकर आत्मा ज्ञाता चैतन्य मात्र अनुभूति का कर्ता रह जाता है। वो अनुभूति कर्म हुआ इसका, क्योंकि उस अनुभूति का आनंद को पैदा कुछ पैदा नहीं किया। हविष तो इतनी की हविष कितनी और उत्पत्ति कितनी, उत्पत्ति कुछ नहीं तो क्या करेंगे? ऐसे भाव को क्या करें? बार बार ये भाव करने लायक रहा? किसी को ये विचार आ गए कि अपन तो आकाश में बगीचा लगाएंगे और अब अपना बच्चा भी शादी के लायक हो गया, उसका हार बनवाएंगे और उसकी माला फिर बच्चे को पहनवाएंगे वरमाला के समय, ये कभी पूरा होगा? बच्चे की शादी होगी तो फिर उसे इस परिणाम से ममत्व तोड़ना पड़ेगा या नहीं? परंतु आसमान से ममत्व तोड़ेगा, आसमान के बगीचे, और आसमान के बगीचे के साथ ये जो परिणाम जुड़ा हुआ है इस परिणाम की विफलता जानकर इससे भी ममत्व तोड़ेगा तो बच्चे का विवाह हो सकेगा। क्योंकि उसको धरती के बगीचों के फूल ही काम आने वाले है, आकाश में तो बगीचा कभी लगता ही नहीं। इसी तरह कर्ता कर्म का ये प्रयास, ये पुरुषार्थ कि जो आकाश में बन है इसको एक बार विसर्जित करके जो तत्काल जिससे उत्पन्न हुआ है ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, उस अनुभूति को आत्मा जन्म देता है चैतन्य में केंद्रित होकर, ये इसका फल, वास्तविक फल। परंतु पुद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी कैसे और ये किस पर घटता है? कुमार और घड़े पर तो किस पर घटता है? ये कुमार करता है कहते हैं, हम कुमार थोड़े ही हैं जो हम करते हैं, तो महाजन है। कुमार की बात कही है आचार्य, कुमार की नहीं कही है। सचमुच तो ये वस्तु मात्र की बात कही है और उन वस्तुओं में आत्मा करता है, इसलिए आत्मा को ये बात कही जा रही है। तो उस पुद्गल परिणाम के करने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी ये हिमालय के सामने कोई खड़ा होकर और उसकी खुदाई करे या उसको पदाघात करे, लाते मारे और फिर गालियां और दे, नहीं हिलता तो नहीं हिलेगा, फिर लात मारे क्या? नहीं हिलेगा तो नहीं माने, इतना बेशरम है, क्या होने वाला है? ये कर्ता कर्म अधिकार है, कहता नहीं मानेगा, नहीं मानते हो, और अंत में टकरा टकरा कर इसकी परिणति चूर चूर होती है, बहुत क्लेशित होती है।
लेकिन फिर भी ये अपने उस दुराग्रह को छोड़ता नहीं। छोड़ने की बात हो तो अभी नहीं छोड़े बैठे बैठे, अभी तो ये जन्माई है वो इतना घोष कर रही है साक्षात समावसरण में भगवान तीर्थंकर की तरह। ये ओम में थोड़ी भी शर्म आती हो तो इस दुष्ट प्रवृत्ति को तुम महा, हमारी कुल परंपरा के होकर हमको लज्जित मत करो, ये भगवान महावीर बोलते हैं और हम सुनते इसको तुम अभी विसर्जित कर दो। तो क्या करता है वो कि पुद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी इतना अहंकार चूर चूर कर दूंगा देखना, इतना अहंकार होने पर भी अभी बनाता हूँ घड़ा तो बना तो दे देते और तो और दे देंगे राजा तो बना दे, मैं बनाता हूँ बनाता है और तो वो कभी बनता नहीं, जैसा चाहता है वैसा बनता नहीं। और आचार्य अक्रंत ने तो एक बड़ा सुंदर सुंदर चुनौती दी इसको कुम्हार को, घड़ा बनाते हो? हाँ बनाता हूँ। तो ऐसा करो कि अब की मिट्टी वहां से लाना, उस जगह उसमें थी बालू ज्यादा रेत, फिर बोले कि अच्छा बनाओ घड़ा। तो घड़ा बनाने लगता है फिर पसर जाता है, फिर पसर कितनी बार बनावे के बन जाए, एक बार भी उसकी मेहनत सफल हो जाए अवसर आएगा। ये आचार्य अकलन ने कहा कुमार को बना बना कहते हैं, तो करता है ना, करता उसे कहते हैं कि जिसके पास काम की सारी सामग्री होती है। हम तो तुझे मिट्टी भी दे रहे हैं पानी भी दे रहे हैं, वरना ये भी नहीं देना चाहिए, तो करता तो वही होता है कि जिसके पास छह करण रूप सामग्री, छह करण काम तैयार होता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादन और अधिकरण, इनसे वो काम अर्थात वो पर्याय तैयार होती है। तो प्रथम तो तुझे मिट्टी की मिट्टी भी है लगे बना चुके, बोले बनती नहीं है, ये कहां से बोला तू, तेरा जी इतना भाषा सुन रहा हूं कि बनती नहीं, बनती नहीं तो बना, तो बनती है जिसे बनाया या नहीं बनती है उसे बनाता है, तो किसको बनाता है, बनती है उसे बनाता है, तो तूने क्या बनाया, उसे तू नहीं बनाता तो फिर तू बनाने वाला कभी भी नहीं है। इस तरह अहंकार से भरा हुआ होने पर भी अहंकार अभी करता हूँ, अभी कहते हैं दो मिनट लगते हैं जरा खड़े रहो देखो जरा, अभी करता हूँ इतने और दो मिनट लगते हैं इसमें तेरा अहंकार कहाँ गया, दो मिनट क्यों लगेंगे भाई, तू तो सेकंडों में चाहता है, एक सेकंड में चाहता है कि भीतर का अहंकार और उसके साथ वर्तने वाली तेरी जो इच्छा है वो तो ये कहती है घड़ा अभी बने, पर ये अभी नहीं बनता और तभी भी नहीं बनता और कभी बन, क्यों इतना समय लगता है बोल, इसका क्या जवाब है, है कोई जगत में कुमार जी जवाब दे रहे कि भाई तो ये दस मिनट क्यों लगे, क्या जवाब है मोहनलाल जी, जवाब कैसे नहीं देव ना जवाब नहीं सबको, टाइम तो हो गया इतना ही वो आदत खराब हो गई छोड़ दी। असल में ये जो प्रश्न है ये बड़े आनंद रहते हैं, हम रूखी सूखी बिल्कुल कुछ खा पी के तो आते नहीं, रूखे सूखे से रहते हैं, कोई खाता बदाम खा दो सभी चाय पिए मेरी तरह तो खुशी और एक ही चीज रहती है, थोड़ी सी देर हुई और बस अलसाने लगे और पहुंच गए, पर है ही बड़े आनंद की कथा है ये सच में, परियों के देश की कहानी जो देश हमने देखा नहीं है, ऐसी सिद्धि बस्ती की कथा है ये, कुछ सुनावे हमको ऐसी कथा सुनावे कि एक ऐसी बस्ती है एक ऐसा नगर है जहाँ ऐसे लोग रहते हैं।
नहीं, हमको मन होता नहीं कि एक बार ले चलो। इस तरह ऐसा मन हो कि भी उस बस्ती में ले चलो, तो उस परिणाम के अनुरूप पुद्गल के परिणाम को, उस परिणाम माने एक कुमार का घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ परिणाम, वो परिणाम है अनुरूप घड़ा है अनुरूप। मेरे अनुकूल अनुरूप ये तो शब्द बताए हैं खाली, लेकिन सच्चाई है कि कोई अनुकूलता प्रतिकूलता यहाँ पर नहीं है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। और वो परिणाम घड़े का परिणाम जो कि पुद्गल से अभिन्न है, कुमार के घड़ा बनाने के अहंकार परिणाम तो है घड़ा बनने के अनुकूल, अनुकूल माने अनुकूल नहीं, अनुकूल माने अच्छा, तो वो अनुकूलता नहीं है यहाँ पर, अनुकूल माने घड़ा बन जाता है तो कुमार का ये परिणाम उस घड़े को बनाने वाला घड़े घड़ा बनने का निमित्त कहा जाता है। जो किसी ने हलवा बनाया किसी महिला ने और वो हलवा बिगड़ाया, वो उसके बिगड़ने के अनुकूल है प्रतिकूल है, क्या है बोला जी, अनुकूल बिगड़ने के अनुकूल है, वो तो बिगाड़ना चाहती नहीं थी, बिगाड़ना चाहती नहीं थी, इसलिए अनुकूल शब्द का वो अर्थ नहीं है। यहाँ के जो कार्य होता है उसके साथ जो निमित्त है, वो हर निमित्त चाहे वो कार्य बिगड़ना सुधरना कहते किसको है, वो तो हमने बनाया है अपने मन से, तो बिगड़ना सुधरना तो कुछ होता नहीं, हलवा बिगड़ा तो बिगड़ता नहीं तो क्या हुआ, क्योंकि इसको खाना है इसलिए उसको बिगड़ा हुआ कहता है। ये एक भैंस सड़क पर गोबर करती है, वो पतला करती है या मोटा है, ये हम देखते हैं कि इसने कैसा गोबर किया, क्योंकि हमको हलवा पतला बना मोटा बना, कम सिका ज्यादा सिका, हमको यह मतलब है, तो हम कहते हैं अरे भाई वो तो अनुकूल है कहते हैं। तो ये जो अहंकार वाला परिणाम है ये उस घड़ा बनने के परिणाम के कूल है, लेकिन घड़ा जो बन रहा है और उस घड़े मिट्टी का जो परिणाम है वो पुद्गल से न है, इसलिए इसका कर्ता कौन हुआ, पुद्गल मिट्टी, और इस अहंकार का कर्ता अभी मैंने क्या कहता हूँ अभी बना तो एक मिनट में, ऐसे अहंकार से भरा हुआ होने पर भी अहंकार का उस घड़े की मिट्टी की परिणति से संबंध नहीं है, वो अहंकार घड़े का भाग कोई नहीं होता, बल्कि क्योंकि नति से अभिन्न है, इस तरह अभिन्नता में ही कर्ता कर्म भाव की सिद्धि होती है। इस तरह उसे कुमार का अहंकार घड़ा बनाता हुआ प्रतिभाषित न हो, न दिखे ऐसा, ऐसा न लगे किसी को, क्यों क्यों कर्तव्य में कोई प्रतिभाषित न हो, क्यों क्यों कानून ऐसा है, इसलिए कानून है, ये चर्चा आचार्य कानून की करते हैं, अपने आदेश की चर्चा नहीं करते, हमारा आदेश नहीं है, बनाओ ना तुम खूब बनाओ बड़ा, हमें क्या तकलीफ, हमें तो केवल नई नई तो बदलनी है, क्यों एक कुमार ऐसा था कि जिसने घड़ा बना दिया और तो सब फेल हो गए, लेकिन उस बना दिया तो हम तो इन लाइनों को बदले, हमको क्या लगता है, तुम बदलो वस्तु व्यवस्था, लेकिन इसका परिवर्तन होना आज तक अशक्य रहा और अनंत काल में भी अनुभव रहा, इसलिए आचार्य की व्यक्ति इस सूर्य के पूर्व में उदय होने जैसी पंक्तियां हैं, जो कभी फिरती कैसी पंक्तियां मिली हैं अपने को, ये आज के वैज्ञानिकों की पंक्तियां नहीं है, ये जो कहते हैं कल तो हम ऐसा कहते थे, इसलिए हमने अपना पुराना सिद्धांत बदल दिया है, ये कहते हैं आचार्य नग्न दिगंबर संत जिन्होंने कोई ये विज्ञान विज्ञान पढ़ा नहीं, उनका ये अभूतपूर्व अनादर विज्ञान, वो कहते हैं कि ये पंक्तियां कभी फिरने वाली नहीं, ये पुरुष कहता है कि हमारे वचन कभी फिरते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी तरह आचार्य की ये पंक्तियां क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था पर खड़ी हैं,
और वस्तु व्यवस्था सदैव तीनों काल इनकी साक्षी रही, और ये जो लिखा है ये साक्षी हम है। बोलो क्या कहते हैं, थोड़ा गौरव देना चाहिए था जिसमें कभी, और ये जो लिख दिया ना इसमें कभी कभी तीन काल में आगे जितने भी आचार्य होंगे वे जो कुछ भी लिखेंगे वे इसके विरोध में नहीं लिख सकते। अगर वे दिगंबर जैनाचार्य होंगे इसके विरोध में लिखेंगे, और वे दिगंबर सब विरोध में लिखेंगे, सब जितने भी होंगे, लेकिन कोई भी दिगंबर आचार्य इसके विरोध में लिख सकता। और अगर वो दिगंबर दिखाई देता हो इसके विरोध में लिख दिया तो वो दिगंबर आचार्य। कितनी शान है ये हमारी, हम इसको ये आउट नहीं करें, छिपा कर रखें, और फिर किसी को कहें मेरे पास एक ऐसा लेख है, कहते ऐसे कानून मेरे पास लिखे हैं कि ये तीन काल में जिनमें कभी फर्क, जिनका चेतन तो दूर नहीं कर सकता, ऐसे कानूनों की पुस्तक मेरे पास है, और ऐसे ही समय सार की वो नहीं बतावे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। जरा बताओ मैं क्या है, बता दो ऐसी है ये, बड़ा आउट हो गई है तो।